नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एम्प्लॉयबिलिटी का मॉडल पेपर नंबर 8 आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इसमें 25 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है मैंने निमी के क्वेश्चन बैंक से ही सम्मिलित किए हुए हैं और 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये, और मैं सारे निमी के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ। आप लोग इससे प्रैक्टिस करिए और 100% इसी से क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप मेरे जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी को आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को 50 में से 50 नंबर जो है एम्प्लॉयबिलिटी में ज़रूर आएंगे आपके। और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू करूं, क्योंकि अभी जो मॉडल पेपर आप लोगों के चल रहे हैं इसमें इंग्लिश लिटरेसी और IT लिटरेसी ये लगभग कम्प्लीट होने वाला है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पर मैं फोकस करूँगा, वो भी एक दो दिन में, एक दो मॉडल पेपर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आपका 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने का कोर्स जो है वो भी मैं जल्दी से जल्दी कोर्स जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, तो फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और साथ में अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो थैंक यू सर करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विजुअल इज वेब ब्राउज़र, इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक वेब ब्राउज़र है, बाकी जो है सारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर का इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ एन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, माइक, माउस और कीबोर्ड ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, मतलब जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं उनमें से, इनमें से कौन सा जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए, वीडियो टेप में स्टोरेज होता है वीडियो का, USB फ्लैश ड्राइव में जो है स्टोरेज होता है, मेमोरी कार्ड में स्टोरेज होता है, इसलिए प्रिंटर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच वन इज़ एन, लिखा है कि विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट का कौन सा नुकसान है? तो ये जो नुकसान है वो मेक एडिक्टिव, मतलब ये आप लोगों को एडिक्ट बना देता है, उसका आदि बना देता है। जब आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपको लगता है हर समय कि हम उसको यूज करते रहें, तो ये एक एडिक्टिव है, ये आप लोगों को उसका आदि बनाता है, ये इसका जो है डिसएडवांटेज है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो साइनोनिम्स ऑफ वर्ड्स इन वी टाइप इन MS वर्ड, तो जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो कौन सा जो ऑप्शन है वो समानार्थी जो शब्द है उसको दर्शाता है? तो देखिए, जब हम MS वर्ड में टाइप करते हैं तो थिसोरस जो है वो समानार्थी शब्द को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब हम किसी ATM से हम 500 रुपये विड्रॉ करते हैं, उसकी जगह ATM से जो है वो हमें 5,000 रुपये मिल जाते हैं, तो हमको जो है आगे एथिकली, मतलब सही तरीका क्या है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा क्या एथिक्स बनता है कि हमें आगे जो है सही डिसीजन क्या लेना चाहिए? तो इसमें पहला है कि मेक ए कंप्लेन, आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा है मेक द मनी, टेक द मनी, आप मनी लेके और चले जाते हैं, आपको अच्छा लगता है कि 500 की जगह आपको 5,000 मिल गया है। ड्रॉप द मनी एट नियर ATM, आप जो एक्स्ट्रा मनी है उसको ATM के बाहर जो है ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मनी जो आपको मिला है 500 निकालें, 5,000 मिल जा रहा है, 4,500 जो एक्स्ट्रा है उसको आप गरीबों को दे देते हैं। तो इथिक्स आपका क्या बोलता है? जो इथिक्स, जो सही तरीका है, करेक्ट डिसीजन है, वो ये है कि आपको कंप्लेन करनी चाहिए, तो ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, काइजन का क्या मीनिंग है? काइजन जो है एक जापानी वर्ड है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार जो है सुधार, निरंतर सुधार जो है उसका मतलब होता है काइजन का, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चूज़ द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन,
एक्सक्यूज़ मी आई वुड, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके दौरान जो है कौन सी अभिव्यक्ति इसमें सही है, क्षमा चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ, इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग मतलब मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ या फिर आपको बाधा पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, इसलिए ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कम्युनिकेशन डेट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड, जब हम ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बिना शब्द के बोले सूचना का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बोलते नहीं हैं, सूचना का जो है आदान प्रदान हो जाता है। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पर कितने आदमी थे, तो आप उंगली द्वारा दो का इशारा करते हैं, तो ये क्या है, आपने बोला नहीं मगर सूचना का आदान प्रदान हो गया कि यहाँ पर दो आदमी थे। या फिर कोई आप पूछते हैं कि ये क्या, इसका कोई सामान खरीदते हैं, पूछते हैं इसके कितने पैसे हुए, तो लोग 5 का इशारा या 10 का इशारा करके बताते हैं, तो ये क्या होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई कुछ भी चीज़ बोली नहीं जाती है, बस आपको इशारे से समझाई जाती है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 की डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कमिटमेंट। ऑप्शन जो है बी 11 का जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सपेंशन ऑफ SMS, जब हम बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें SMS किया है आप देख लीजिए, तो SMS का विस्तारित रूप क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इसका जो सही विस्तारित रूप है ऑप्शन 12 का वो है डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस मतलब होता है SMS मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर, स्मार्ट में जो एस है उसको क्या बोलते हैं, उसको वो क्या मतलब रहता है उसका, तो उसका मतलब रहता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक इन स्मार्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है जेस्टर बिटिंग नेल सो, जब हम नाखून काटते हैं तो वो हमारा जेस्टर होता है, जो इशारा होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है इनसिक्योरिटी, जब हम किसी चीज़ से डरे होते हैं या किसी चीज़ से हमें इनसिक्योरिटी महसूस होती है तो हम अपने नाखून चबाने लगते हैं, काटने लगते हैं, तो इसको ये जेस्टर जो होता है वो इनसिक्योरिटी जो है उसके समय आप लोगों को आता है, इनसिक्योरिटी मतलब जब आपको सुरक्षित महसूस ना होता हो। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है जेस्चर मतलब जो आप बॉडी लैंग्वेज है उसमें ब्रिक एंड डायरेक्ट वॉकिंग सोज, जब आप जो आपका हाव भाव होता है उसमें तेज और सीधा चलना वो आपको क्या दर्शाता है, जब आप तेज और सीधा चलते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि आप तेज और सीधे चल रहे हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी जगह पे एकदम सही हैं। ऑप्शन जो बी सी है वो सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, जो लक्ष्य हैं उसको किस रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो जो गोल हैं या फिर जो लक्ष्य हैं उसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य के रूप में जो है वो कैटेगराइज किए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी है वो सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी वही है कि गोल्स आर क्लासिफाइड, मतलब लक्ष्यों को जो है किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो इसमें जो देखिए ऑप्शन जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है, और इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है, तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए दो अलग अलग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें शारीरिक भाषा जो होती है उसमें कितना महत्व होता है, तो इसका सीधा आंसर है 55% जो है जो हम फेस टू फेस किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें शारीरिक भाषा का बहुत महत्व रहता है। अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं तो हमको सर कैसे हिलाना है, हमको यस बोलना है तो हमें कैसे सर ऐसा हिलाना है, ऐसा नहीं कि नो वाले पे यस वाला सर हिला देते हैं, यस वाले पे नो में सर हिलाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। इसमें जो है 55% जो है वो आप लोगों का शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज का जो रहता है खेल रहता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है
जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब बहुत समय तक चलने वाली होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है 19 का, आंतरिक प्रेरणा होती है वो हमें लंबे समय तक जो है चलती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम अंडर, जब हम रेलवे का अनाउंसमेंट सुनते हैं, फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनते हैं और टीचर मतलब अपने अध्यापक का लेक्चर मतलब क्लास सुनते हैं, तो वो किस प्रकार के जो है व्याख्यान में या फिर जो है लिसनिंग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर ऑप्शन डी आए वो है कंप्रेहेसिव लिसनिंग। कंप्रेहेसिव लिसनिंग के अंतर्गत जो आता है, जब हम रेलवे का अनाउंसमेंट सुनते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर अनाउंसमेंट सुनते हैं, या फिर क्लास में बैठ के क्लास करते हैं, तो वो सारी कंप्रेहेंसिव लिसनिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम अंडर, जब केवल आनंद के लिए हम किसी गाने को सुनते हैं तो किस प्रकार के जो है के अंतर्गत आता है, किस प्रकार की लिसनिंग या सुनने के अंतर्गत में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन सी एप्रिसिएटिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इन टू, जो प्रेरणा है वो किस श्रेणियों में जो है वो कैटेगराइज की है या फिर श्रेणी में बांटा गया है, वो है ऑप्शन वाइज का है, ऑप्शन ए सही है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में जो है वो मोटिवेशन को डिवाइड किया गया है या फिर वर्गित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नॉइज फिजिकल डिफॉर्म और ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम अंडर, जो है शोर गर्मी की शारीरिक परेशानी या फिर शीतलता जो है वो किसके अंतर्गत आती है, ये आती है इन्वायरमेंट वैरियर के अंतर्गत। जब कोई शोर मचता है या फिर शारीरिक शरीर में गर्मी लगती है या ठंडी लगती है, तो ये सब जो है वातावरण के वैरियर के अंतर्गत आता है, रुकावट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, जब हम आवाज़ की पिच को उठना गिरना है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटोनेशन। ऑप्शन जो बी है वो सही है, इंटोनेशन मतलब होता है आवाज़ का उठना और गिरना, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन, ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडोवर इज कॉल्ड, जब हम मानव में सही और गलत का अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है एथिक्स के अंतर्गत। एथिक्स हम लोग को बताते हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो जो एथिक्स स्टडी होती है वो ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत ये आप लोगों को सुनिश्चित करती है, तो क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है। ये हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के CVT एग्ज़ाम में आते हैं, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए। और आप लोगों को जितने भी मैं मॉडल पेपर बताते आ रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोग याद करते जाइए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से आप लोग पास होंगे, आशा करते हैं आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।